जिस प्रकार भगवान शिव व उनसे जुड़ी कथाएं अनंत हैं, उसी प्रकार विभिन्न पुराणों में उनके परम भक्तों व उनके गढ़ों से जुड़ी कथाएं भी लिखी गई हैं, जो सुनने व देखने को कम ही मिलती हैं। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय आदि भगवान शिव के प्रमुख गढ़ हैं। इन्हीं गढ़ों में से एक है नंदी, जो भगवान शिव के वाहन भी हैं और उनके सभी गढ़ों में सर्वश्रेष्ठ भी हैं। मान्यता है कि कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कह दी जाए तो उसे भगवान शिव तक अवश्य पहुंचा देते हैं। कौन थे नंदी और क्या है उनके बैल रूप की कथा, आज के वीडियो में हम जानेंगे इससे जुड़ी कथाएं। साथ ही अभी जानेंगे कि कैसे बने नंदी भगवान शिव के वाहन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। पहली कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार यमराज की दृष्टि भ्रमण करते हुए भगवान शिव पर पड़ी और उन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि शिव जी बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते रहते हैं। यम के मन में यह बात आई कि क्यों ना वे ही स्वयं शिव जी के वाहन बन जाएं। परंतु यह प्रस्ताव भगवान शिव भला इतनी सहजता से कहां स्वीकार करने वाले थे। इस हेतु यमराज ने कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। यम के तप से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार कर लिया। चूंकि बैल अत्यंत भोला होता है और उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता, इसी कारण भगवान भोलेनाथ ने बैल रूप को ही चुना और बैल अर्थात नंदी बाबा को अपना वाहन नियुक्त किया। इतना ही नहीं, अपना वाहन बनाने के साथ साथ शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। मान्यता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। दूसरी कथा जुड़ी है हिंदू पौराणिक ग्रंथ शिव महापुराण से, जिसमें भगवान शिव की कथा के साथ साथ उनसे जुड़े हर चमत्कारों व उनके अनन्य भक्तों का भी वर्णन किया गया है और नंदी बाबा भगवान शिव के उन्हीं परम भक्तों में से एक है। पुराणों में उल्लेख है कि नंदी बाबा मुनि शलाद के पुत्र हैं, जिनके ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के कारण उनके पूर्वजों ने अपने वंश को समाप्त होता देखकर एक दिन उन्हें इस समस्या से अवगत कराया, जिससे मुनि शलाद भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने इसके निराकरण हेतु इंद्र देवता की घोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। इंद्र देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब शलाद मुनि ने वरदान के रूप में एक अमर पुत्र की इच्छा व्यक्त की। हालांकि इंद्र देव उनके इस वरदान को तो पूर्ण न कर सके, परंतु उपाय स्वरूप उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि भगवान शिव को प्रसन्न करके ही उनकी यह इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि भगवान शिव कुछ भी कर सकते हैं। मुनि शलाद अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। फलस्वरूप भगवान शंकर ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं ही मुनि शलाद के घर में बाल रूप में प्रकट होंगे। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात एक दिन भूमि की जुताई करते समय भूमि के भीतर से मुनि शलाद को एक नवजात शिशु मिला, जिसे पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि यह बालक उन्हें शिवजी के वरदान से ही मिला है, जो शिवजी का ही रूप है। मुनि शलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। शलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे, उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो संत आए, जो भगवान शंकर द्वारा भेजे गए थे, जिनकी सेवा का कार्यभार शलाद मुनि ने अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया। नंदी ने भी पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की और जब संत आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शलाद ऋषि को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया पर नंदी को नहीं। इस बात से शलाद ऋषि बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने संतों से अपने पुत्र के दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देने का कारण पूछा। संत स्पष्ट पर कुछ क्षण हेतु चुप हो गए और गंभीर होकर कहा कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है और यही कारण है कि हमने उसे यह आशीर्वाद नहीं दिया है। संतों का यह उत्तर सुनकर शलाद मुनि के हृदय को बहुत आघात लगा। शलाद अब हर समय चिंतित रहने लगे। एक दिन अपने पिता को इस अवस्था में देखकर नंदी ने उनसे पूछा कि क्या बात है पिताजी, आप इतने चिंतित से क्यों रहते हैं। शलाद ऋषि ने नंदी से बताया कि संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की चिंता का कारण उनसे सुना तो वह हंसने लगे और हंसते हुए कहा कि पिताश्री, जिस भगवान शिव ने मुझे आपको सौंपा है वह मेरी रक्षा भी करेंगे। आप सब उन पर छोड़ दीजिए और सारी चिंताएं भी त्याग दीजिए। पिता शलाद को शांत करने के पश्चात नंदी ने भू नदी के तट पर भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। इस घोर तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने नंदी को दर्शन दिए और उनसे कहा, कहो पुत्र क्या इच्छा है तुम्हारी। नंदी ने कहा, भगवान मैं आजीवन आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने प्रसन्न होकर नंदी को हृदय से लगा लिया और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया।
भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन तथा अपने गढ़ों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया। नंदी की शिव भक्ति से जुड़ी एक और कथा है जो उनके भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। कथा तब की है जब असुरों और देवताओं के मध्य समुद्र मंथन चल रहा था, जिसमें से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, परंतु विषपान के दौरान विष की कुछ बूंदें शिव जी के मुख में ना जाकर बाहर की ओर गिरने लगी थी, जिसे नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भक्ति भाव पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि थी। इसके तरफ शिव जी ने नंदी बाबा को यह आशीर्वाद दिया कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब रावण द्वारा नंदी का अपमान किया गया था, नंदी ने उनके विनाश की घोषणा की थी। रावण संहिता के अनुसार जब रावण कुबेर पर विजय प्राप्त कर लौट रहा था, तब वह कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत पर विश्राम करने हेतु रुका था, जहाँ उसने शिव के पार्षद नंदी बैल के रूप को देखकर उनका उपहास किया था। तब नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था कि मेरे जिस पशु रूप को देखकर आज तुम हंस रहे हो, वही पशु रूप के जीव तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। शिव के वाहन नंदी पुरुषार्थ व कठोर परिश्रम के भी प्रतीक है। नंदी का विवाह मरुतो की पुत्री श्वेता के साथ हुआ था। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही कारण है हर शिवालय में नंदी की मूर्ति अवश्य स्थापित की जाती है। मान्यता यह है कि नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना से अपनी बात कह दी जाए तो प्रार्थना भोलेनाथ तक अवश्य पहुँच जाती है और शिव जी उनकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण भी करते हैं। दर्शकों, हमें आशा है कि नारदवाड़ी की यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।